नगर निगम की स्थापना शाखा में पदस्थ एक कर्मचारी को तीन वाहनों पर आए 8 युवकों ने दो जगह रोका। जब वह नहीं रुका तो तीसरी जगह पर गाड़ी गिराकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। कर्मचारी की पिटाई से आक्रोशित निगम कर्मी माधवनगर थाने पर एकत्र हो गए। मारपीट का सही कारण पता नहीं चला है। दरअसल ये वारदात इंदौर निवासी कर्मचारी संजय रघुवंशी के साथ हुई। वह नगर निगम कार्यालय के मुख्य कार्यालय से निकलकर जोन 6 की तरफ बाइक से जा रहे थे। दो एक्टिवा और एक बाइक पर आए 8 युवकों ने उन्हें पहले दशहरा मैदान में नेहरू पार्क के पास रोका। जब वह नहीं रुके तो युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। देवास रोड स्विमिंग पूल के पास एक बार फिर संजय को रोकने की कोशिश की। जब वह नहीं रुके तो युवकों ने फिर पीछा करना शुरू कर दिया। MR2 पर रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने युवकों ने ओवरटेक कर संजय की बाइक गिरा दी। इसके बाद बेल्ट और लात घूसों से उनकी पिटाई करना शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक रघुवंशी को पीटने के बाद युवक भाग निकले। रघुवंशी ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी साथियों को दी तो बड़ी संख्या में निगमकर्मी माधवनगर थाने पहुंच गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल घटना का कारण पता नहीं चल रहा है। मैं नगर निगम से निकला, दशहरा मैदान होते हुए इधर जा रहा था जोन 6 पे, तो मुझे दशहरा मैदान नेहरू पार्क के यहाँ एक्टिवा पे तीन लोगों ने बोला रोका, आगे पीछे गाड़ी करी तो मैं रुका नहीं। फिर तरन ताल पे उन्होंने बोला कि रुक, तुझसे काम है। फिर मैंने सोचा भरतपुरी में पुलिस खड़ी होगी तो वहाँ जाके रुकता हूँ गाड़ी। पुलिस नहीं दिखी तो फिर मैं जोन 6 की साइड नानाखेड़ा साइड गया तो उन्होंने बीच में रजिस्ट्री ऑफिस के जहाँ जाके मेरे को गाड़ी आगे लगा के गिराया। और फिर पीछे एक बाइक पे दो थे, एक्टिवा पे तीन थे और एक एक्टिवा पे दो और लड़के थे।